हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग घूमने के लिए आए हैं एक अलग जगह। देखिए, ये है अमर शहीद नीलांबर पीताम्बर पार्क। ये मोराबादी रांची में है। इसको हम ऑक्सीजन पार्क के भी नाम से जानते हैं। ये देखिए, थोड़ा हम पहले बाहर का बैकग्राउंड दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे पार्क के अंदर। देखिए इधर कितने सारे गाड़ी मतलब कि पार्किंग किया हुआ है। बाकी खाने पीने की सामानें आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में हैं। ये देखिए, ये चने वाले भैया, फिर उधर आइसक्रीम वाले। ये देखिए, आपको मेन रोड के किनारे ये भी है, जैसे हमने वो टैगोर हिल के बारे में देखा था। ये देखिए, आने जाने की किसी तरह की असुविधा नहीं होगी आपको। ये देखिए, बाकी एक देखिए अंकल जी को, झालमुड़ी वाले, और इधर हैं आइसक्रीम वाले भैया, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे पार्क में एंट्री करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे टिकट है या निःशुल्क है। चलिए हम लोग अब एंटर करते हैं। ये देखिए, अब हम लोग पार्क के अंदर एंट्री कर गए हैं। और देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड, वहाँ पे क्रिकेट खेलते हुए लोग हैं। और इधर देखिए एलिफेंट वाला जो है, एक कितना सुंदर बनाया गया है एलिफेंट आर्टिफिशियल। और इधर देखिए, इधर से भी रास्ता है, बैक से भी रास्ता है। आप किधर से भी आप पूरे पार्क में जा सकते हैं, पूरा पार्क का दृश्य देख सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं अपना। ये देखिए कितना सुंदर सा एलिफेंट यहाँ बनाया हुआ है। और उधर जो आपको दिख रहा होगा कि बाउंड्री है उसका, उधर लास्ट का काफ़ी बड़े एरिया में है ये पार्क, ऑक्सीजन पार्क। हमने पिछले वीडियो में देखा था श्री कृष्ण पार्क, वो इससे ज़्यादा बड़ा है ऑक्सीजन पार्क। ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ का थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा देखिए आप। देखिए नीलांबर पीताम्बर पार्क पूरा पौधों से ही, पौधों की प्लांटिंग करके ही लिखा हुआ है। आप पढ़ सकते हैं नीलांबर पीताम्बर पार्क। और देखिए सजावटी, देखिए ये जो सजावटी पौधा है, सो कितना सुंदर ये सर्कल में इन्होंने कट करके बनाया है इसकी, इसको, है ना। आगे एक बोर्ड भी है, हम लोग जब देखेंगे आगे वहाँ पे क्या लिखा हुआ उसको भी जानेंगे। चलिए आप देखिए, इधर से हमने आगे का रास्ता आपको दिखाया था, इधर से भी है जाने के लिए। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास मिलेगा, क्या कुछ नया मिलेगा इस पार्क के अंदर हमें। अब इधर देखिए आप थोड़ा सा साइड में, कितने प्यारे प्यारे गेंदा के फूल। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। देखिए हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर जाएंगे, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम लोग यहाँ से अंदर जा रहे हैं दोस्तों। देखिए काफ़ी सुंदर सा लग रहा है पार्क, आपको मज़ा आ रहा होगा देखने में भी, और मुझे घूमने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। कुछ बच्चों के लिए भी स्पेशल है क्या फ्रेंड्स? आप देख सकते हैं यहाँ भी बच्चों के लिए जो है काफ़ी सारी सुविधा है यहाँ पे। देखिए यहाँ भी स्लाइडिंग है, जो एक्चुअली हमने जिस जिस पार्क में घूमा है वहाँ हर जगह व्यवस्था थी, और ऑक्सीजन पार्क में भी है। फ्रेंड्स आपको पता होगा ये जो ऑक्सीजन पार्क है, ये झार पार्क के अंतर्गत जो 10 पार्क बने थे उनमें से ये एक है। ये देखिए काफ़ी हरा भरा, काफ़ी खुशनुमा मिजाज है इस पार्क का। चलिए अब ये देख लीजिए थोड़ा सा, ये जो है देखने से लग रहा है ये जो प्लेग्राउंड है, ये वॉलीबॉल का, बैडमिंटन का यहाँ पे खेलते हैं। आप अगर यहाँ आए तो आप यहाँ पे इसका भी लुत्फ़ उठा सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है खेलने में तो। और बाकी मैंने आपको पहले ही दिखाया था, वहाँ पे लोग क्रिकेट भी खेल रहे थे, है ना, खेलते हैं एक्चुअली। और यहाँ पे आप और भी खेलों का शौकीन रख है तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए स्लाइडिंग वाला, बच्चे कितने मस्ती कर रहे हैं, स्लाइडिंग कर रहे हैं।
एक प्यारी सी बच्ची है जिसको शायद डर लग रहा है स्लाइडिंग करने में, उनके गार्जियन उनकी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों के साथ साथ गार्जियन भी मनोरंजन करते हैं। ये देखिए और भी व्यवस्था है बच्चों के लिए। यहाँ देखिए ये झूला है, ये देखिए ये देखिए काफ़ी सारे बच्चे मस्ती करते हुए। चलिए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं और क्या है। ये देखिए इधर झूला देखिए, यहाँ भी बच्चे आते हैं, घूमते हैं, मस्ती करते हैं। ये देखिए पेरेंट्स भी यहाँ पे बैठे हैं अपने बच्चों को लेकर के, बच्चों के रंग में रंग रहे हैं वो भी। ये देखिए यहाँ पे बच्चों के साथ साथ बड़े भी झूला झूल रहे हैं। ये देखिए ये देखिए फ्रेंड, ये बैठने का जो है एक हथेली बना हुआ है, हथेली के शेप का ये बैठने के लिए है। ये देखिए हमारी भाषा में तारा माची, जो हम लोग कभी मेला में घुमा करते थे। ये देखिए मस्ती करते हुए बच्चे। ये देखिए घोड़ा हाथी सब पे बच्चे बैठ के मस्ती कर रहे हैं, उनके गार्जियन भी साथ साथ हैं। ये देखिए चबूतरा बना हुआ है। ऐसे तभी ठंड का मौसम है, लेकिन आप यहाँ गर्मी के दिन में भी आएंगे तो आपको असुविधा किसी तरह का नहीं होगी। यहाँ पे पूरा मेंटेनेंस किया होगा। कुल मिला के ये जो पार्क है मुझे अभी तक कहा सबसे खूबसूरत पार्क लगा है। ये देखिए कतार में लगे हुए पेड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं, हरा भरा सा पूरा पार्क। देखिए लोग शॉपिंग करके भी आ रहे हैं यहाँ पे, एक बार घूम ले रहे हैं, एंट्री कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए जो है किसी तरह का टिकट नहीं है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आ सकते हैं और यहाँ का लुत्फ़ तो उठा सकते हैं। और पार्क में हमने देखा कि टिकट लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आसानी से आ सकते हैं, घूम सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे इस रास्ते से होकर के और देखते हैं और क्या कुछ खास है यहाँ पर। ये देखिए फ्रेंड्स ये कितना बड़ा सा प्लेग्राउंड है, यहाँ पे लोग जो है बैडमिंटन भी खेल रहे हैं। ये प्लेग्राउंड है और क्रिकेट भी लोग यहाँ खेलते हैं, जैसे उधर देखिए भैया सब वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। ये देखिए और ये जो प्लेग्राउंड है बहुत बड़ा है, यहाँ कई लोग एक साथ खेल सकते हैं, अलग अलग तरह के खेल खेल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स है ना खूबसूरत पार्क। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा चबूतरा टाइप सा बनाया हुआ है, लगता है यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। उधर दर्शकों के बैठने की जगह है, देखिए लोग कुछ बैठे भी हुए हैं है ना। और यहाँ पे ज़रूर कुछ इस तरह से ये सीन क्रिएट किया गया है, लगता है यहाँ पे जो ज़रूर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते होंगे तो उनके लिए बैठने की व्यवस्था है। ये देखिए छोटा सा झील, प्यारा सा झील नज़र आ रहा हमें। ये देखिए फ्रेंड्स काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में ये पार्क है, आप आराम से कहीं भी बैठ सकते हैं। ये स्टडी करने के लिए भी कंफर्टेबल जगह है, जैसे अभी भीड़ भाड़ है, शाम के समय में ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है तो लगता है थोड़ा सा आपको पढ़ने में डिस्टर्ब, लेकिन अगर आप सुबह के टाइम में आएंगे तो आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे क्रिकेट का जो कोच है शायद इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स ये देखिए काफ़ी खूबसूरत जगह है, शाम भी हो चला है। अब हम देखते हैं आगे हमको क्या मिलता है कुछ खास, देख लेते हैं घूम के पूरा। चलिए आपको आगे ले चलते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटा सा सूर्य कुंड है बना हुआ। यहाँ पे शायद छठ पूजा होता होगा, इसलिए लिखा है छठ पूजा समर्पित सूर्य कुंड। बाकी इसमें देखिए इसमें मछली है काफ़ी सारी, देखिए देख सकते हैं इसमें मछलियाँ हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हाँ इसके अंदर मछली है काफ़ी सारी। आप देखिए यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आप भी आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, कपल के साथ भी आ सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे फुटबॉल खेला जाता है। ये देखिए वो फुटबॉल खेल रहे हैं यहाँ पे, और लगता है यहाँ भी फुटबॉल खेलने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लेग्राउंड है। आप किसी भी तरह का खेल में अगर आप खेलने का शौक़ रखते हैं तो आप आराम से यहाँ पे आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खेल सकते हैं। बाकी घूमना है तो घूम सकते हैं, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, झील का आनंद लेना है तो वो भी ले सकते हैं। ये देखिए अब हम लोग पार्क के दूसरे सिरे पे जा रहे हैं। देखिए कितना भीड़ लोगों का आ रहा है, काफ़ी सारे लोग इतनी संख्या में आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। ये देखिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं, एंजॉय करते हैं, कुछ यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं, कुछ एंटरटेन। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए तो एकदम मेरा मिजाज खुश हो गया, आपका भी मिजाज खुशनुमा हो जाएगा। देखिए कितने प्यारे प्यारे गेंदा के फूल, और ये देखिए पानी में ये कमल है, या फिर इसको पद्मा का फूल भी कहते हैं। ये देखिए फ्रेंड कितना खूबसूरत लग रहा है ये फ्लावर। ये देखिए जो गेंदा का फूल है, ये साइज़ में भी काफ़ी बड़े हैं। चलिए अब हम दूसरे ओर चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड, अब हम लोग आ गए हैं गुलाब वाटिका। यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे गुलाब के फूल लगाए गए हैं। ये देखिए हर तरह के, हर कलर के आपको फूल यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे येलो है, वाइट है, पिंक है, रेड है, हर तरह के कलरफुल हैं। बाकी सब में खिला हुआ नहीं है, वरना ये और ज़्यादा खूबसूरत लगता। ये देखिए फ्रेंड कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये येलो वाला देखिए, येलो वाला कितना सुंदर लग रहा है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इधर इसमें पूल बनाया हुआ है। ये पहले आप देख लीजिए इसको, उसके बाद आपको पानी का साउंड नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर से देखिए ये जाली बिछाया हुआ है, ताकि किसी तरह का कभी किसी तरह का घटना ना घट जाए। और इसके अंदर आपको पानी नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, और इसी से पूरे पार्क में सिंचाई किया जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लोग रील्स बनाने के लिए भी आते हैं। वो देखिए वो भैया के पास कैमरा है बड़ा सा, यहाँ पे वो लोग अपना फ़ोटो शूट करवाते हैं, प्लस जो डांस वगैरह टिकटॉक में डालने के लिए, वो सब भी यहाँ पे होता है।